रामपुर में पडवाई थाना क्षेत्र में देश का पहला अमृत सरोवर बनाया गया, जिसका केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने फीता काटकर उद्घाटन कर जनता को समर्पित कर दिया। केंद्रीय मंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख मौजूद रहे। रामपुर में बने इस अमृत सरोवर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात में जिक्र किया है। उद्घाटन करने के बाद केंद्रीय मंत्री नकवी, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने अमृत सरोवर में नौका विहार भी किया। फास्ट फूड के स्टॉल पर भी केंद्रीय मंत्री ने जाकर गोलगप्पे खाए। केंद्रीय और कैबिनेट मंत्री ने पीएम मोदी, सीएम योगी, रामपुर जिला प्रशासन और पडवाई के क्षेत्रवासियों को बधाई दी। आपको बता दें, जहां आज अमृत सरोवर बना है वहां पहले कूड़ा डाला जाता था और लोगों को काफ़ी दिक्कत होती थी, लेकिन रामपुर में डीएम रहे और वर्तमान में मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर अंजनी कुमार सिंह के प्रयासों से यह बनकर तैयार हो पाया है। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी ने देश के पहले अमृत सरोवर का शुभारंभ पटवई रामपुर में किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और योगी आदित्यनाथ जी का जो प्रेरणा और संकल्प था और मार्गदर्शन था वो साकार हुआ है। ये अमृत सरोवर जहां एक तरफ पर्यावरण की रक्षा करेगा, जल संरक्षण का काम करेगा, वहीं स्थानीय लोगों के आकर्षण का भी केंद्र होगा। और उत्तर प्रदेश में जो जल शक्ति मंत्रालय है स्वतंत्र देव जी का, हर ज़िले में इस दिशा में बहुत युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहा है और मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अमृत सरोवर के बारे में अपनी मन की बात में देश को बताया भी और अमृत सरोवर की दिशा में जिन लोगों ने प्रयास किया उनको बधाई भी दी और उनका स्वागत भी किया। ये आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी जी का प्रयास, यहाँ के हमारे अधिकारियों का प्रयास, यहाँ के समाज के लोग लगकर इस कूड़े के ढेर को हटाया और एक अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया। आज आदरणीय मोदी जी का सपना और एक देश का प्रधान सेवक पटवाई गांव के लोगों को मन की बात में पटवाई के सभी लोगों को, अधिकारियों को, आदरणीय नकवी जी को और यहां के लोगों को, यहां के विधायक जनप्रतिनिधियों को और यहां के अधिकारियों को, जन सामान्य लोगों को अभिनंदन दिया, बधाई दिया। उत्तर प्रदेश के तरफ से मैं आदरणीय मोदी जी को भी हृदय से उनका स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ और आज उनके सपनों को साकार होता अपनी आँखों से हम लोग देख रहा हूँ और उत्तर प्रदेश में इसी तरह और इसी प्रकार भव्य अमृत सरोवर प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक गांव में कैसे बन सकता है, उसके लिए हम लोग प्रयास करें।